मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा के जीवन बाग में 2 से 3 गाड़ियों में तोड़फोड़ होने की खबर सामने आई है, जिसमें से एक TVS स्कूटी का आगे का हिस्सा बुरी तरह से किसी ने तोड़ दिया है। शाहिद ने बताया है कि जीवन बाग इलाके में गुरु कृपा सीविंग बिल्डिंग के नीचे उनकी गाड़ी खड़ी थी और रात के समय किसी चोर ने उनकी गाड़ी को चुराने के इरादे से लॉक तोड़ने की कोशिश की, मगर जब लॉक नहीं टूटा तो उसने गाड़ी को ही तोड़ दिया है। इसके अलावा पास में ही खड़ी 2 गाड़ियों को और नुकसान पहुंचाया है। शाहिद ने यह भी बताया कि सुबह जब वो उठे तो उनकी नई स्कूटी टूटी हुई मिली, इसलिए वो मुमरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने के लिए पहुंचे। मेरा नाम शाहिद है। ये मेरी गाड़ी जीवन बाग में मेरे दुकान के नीचे खड़ी रहती है, दुकान के पास। लेकिन उधर सुबह में जब आके देखा 9 बजे काम पे जाने के लिए, तो पूरी गाड़ी डैमेज थी। किसने किया, क्या किया, कुछ पता नहीं। लेकिन रात को मैंने 12 बजे जब गाड़ी लगाया तब वहाँ पर कोई कुछ नहीं था। और एक मेरा दोस्त बता रहा है जैसे कि उधर 2 बजे वो वहाँ से गया, तभी कुछ नहीं था, उसके बाद ही सब हुआ है। लॉक तोड़ के पूरी गाड़ी चोरी करने का, जहाँ पर मैं खड़ी करता वहाँ नहीं मिली गाड़ी, गाड़ी मिली है दूसरी जगह पर, थोड़ी पीछे मिली है। चोरी करने की कोशिश की है, खींचतान की है, उसके साथ मारा है। अभी गाड़ी लेके सिर्फ 1 महीना हुआ, अभी तक RC नहीं है। वहाँ पर 2 दुकान है, 2 दुकान वालों की गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। नहीं, ज़्यादा नहीं टूटा, लेकिन ज़्यादा नुकसान मेरी गाड़ी का ही। अभी कंप्लेंट लिखाने आए हैं, उन्होंने बोला है वेट करो, हो जाएगी। तो